तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब गाइस। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आपको अपने सेट्स को कैसे परफॉर्म करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। यहां पे मैं सेट को डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए आपके सामने जो एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूं वो है केबल कर्ल्स। सबसे पहला सेट जो हमारा होता है वो हमेशा होता है वार्म अप सेट। वार्म अप का सिंपल सा मतलब होता है कि हमारे को अपने उस मसल को वार्म करना है, यानी कि गर्म करना है, उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज करना है। तो इसलिए एक ऐसा वेट चूज़ करो जिस पे कम से कम 15 या उससे ज़्यादा रह पाए। यहाँ पे मैंने एक ऐसा वेट लगा लिया जिसमें मेरे से 15 से या उससे ज़्यादा रह पाएंगे और उससे कम से कम मैं 15 रैप निकालूंगा कंट्रोल्ड वे में, जल्दी जल्दी नहीं, कंट्रोल्ड वे में। फिर जैसे ही आपसे पहला सेट हो जाएगा उसके बाद कम से कम आपको 30 से 40 सेकंड का रेस्ट लेना है। रेस्ट में स्ट्रेचिंग करनी है ताकि जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है वो हट सके। इसके बाद रेस्ट करने के बाद हम दूसरा सेट परफॉर्म करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा वेट इंक्रीज़ करेंगे 20-30%। तो इंक्रीज़ करने के बाद हम अगेन कम से कम 6 से 7 रैप निकालेंगे। ये भी अगेन वार्म अप सेट है, अभी एक्चुअल सेट स्टार्ट नहीं हुए। कम से कम 1 से 2 सेट आपको परफॉर्म करना चाहिए वार्म अप, क्योंकि एक सेट में आपका मसल वार्म नहीं होता। 6 से 7 रैप निकालो कंट्रोल्ड वे में और जैसे ही सेट आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद 30 या 40 सेकेंड रेस्ट लो और उस रेस्ट के बीच में अगेन स्ट्रेचिंग करो। देन हम रेस्ट लेने के बाद थर्ड सेट परफॉर्म करेंगे और ये सेट हमारा होगा बिल्डअप सेट, यानी कि ये एक ऐसा सेट है जो कि हमें हमारे वर्किंग सेट पे पहुंचने में मदद करेगा। इसमें हम ज़्यादा रैप नहीं निकालेंगे, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, 3 से 4 रैप निकालेंगे और उसके बाद रेस्ट लेंगे। थोड़ा सा वेट इंक्रीज़ करो और 3 से 4 रैप निकालो कंट्रोल्ड वे में और इसके बाद आप रेस्ट लो 1 मिनट का कम से कम। इसके बाद जो सेट आपके स्टार्ट होंगे या फिर एक और बिल्डअप सेट लगा के जो भी सेट आपके स्टार्ट होंगे वो होंगे एक्चुअल वर्किंग सेट। अब गाइस हम अभी तक 2 वार्मअप सेट लगा चुके हैं जिसमें हमने 15 से ज़्यादा रैप निकाले थे और कम से कम 1 या 2 बिल्डअप सेट लगा चुके हैं जिसमें 3 से 4 रैप निकाले थे। इसके बाद जो हमारे सेट स्टार्ट होंगे वो होंगे वर्किंग सेट, यानी कि ये वो सेट्स होते हैं जिसमें कम से कम हम एक ऐसा वेट चूज़ करते हैं जिसमें हमारे से 8 से 12 रैप रेंज, जो भी हमने रैप रेंज चूज़ कर रखी है उतने ही रैप्स आएँ। यहाँ पे मैं एक ऐसा वेट चूज़ कर लेता हूँ जिस पे मेरे से कम से कम 8 रैप आए और ये होगा मेरा वर्किंग सेट। बिल्कुल कंट्रोल वे में निकालना है, ये पहला एक्चुअल सेट है आपका। और अगर आपसे कंट्रोल वे में करने के बाद भी 8 से ज़्यादा रैप आ रहे हैं तो अगेन थोड़ा सा वेट इंक्रीज़ करो या फिर अपनी जो इसेंट्रिक मोशन है उसको स्लो बनाओ। तो ये पहला वर्किंग सेट है। इसके ये ऐसे वर्किंग सेट हम कम से कम 2 से 3 परफॉर्म करेंगे। अब गाइस 1 से 2 वर्किंग सेट परफॉर्म करने के बाद मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, तीसरे सेट के अंदर मैं एक हाई इंटेंसिटी टेक्निक यूज़ करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं जो अपना वर्किंग सेट लगाऊंगा, जैसे ही मेरे से 8 रैप निकल जाएंगे उसके बाद मैं क्या करूँगा, वेट को ड्रॉप करूँगा। मैं इस लास्ट सेट को अपना एक ड्रॉप सेट बनाऊँगा क्योंकि ये और इंटेंसिटी इंक्रीज़ करता है जिससे जो ब्लड फ्लो है आपके मसल में और इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे जो आपकी इंटेंसिटी वर्कआउट की इंक्रीज़ होती है और जो डेवलपमेंट है मसल की वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये बेसिक तरीका है किसी भी सेट को परफॉर्म करने का। आप ज़्यादातर जिम के अंदर क्या करते हो, 4 सेट परफॉर्म करते हो, पहला जाते हो 15 लगाते हो, दूसरा जाते हो 12 लगाते हो, तीसरा जाते हो 10 लगाते हो, चौथा जाते हो 8 लगाते हो, ऐसे करके परफॉर्म करते हो। इसमें से बस आप एक ही सेट परफॉर्म करते हो 8 रैप का जो एक्चुअल सेट होता है। इस वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते क्योंकि आप एक्चुअल सेट्स में जो जहाँ पे आपके मसल को स्टिमुलेशन मिलेगा वो बस एक ही लगा रहे हो। इसलिए उसको कम से कम 2 से 3 लगाओ और जैसे मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है आप हर एक्सरसाइज के साथ ये सब चीज़ें कर सकते हो। कॉन्टेंट पसंद आया कॉन्टेंट को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।